आपके साथ। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अशोक लेखवियों में अपने कैबिनेट के सहयोगियों और विधायकों के साथ बॉलीवुड फिल्म द साबरमती रिपोर्ट देखने पहुंचे। इससे कुछ देर पहले इस फिल्म के एक्टर विक्रांत मेसी, एक्ट्रेस राशि खन्ना ने सीएम हाउस में मुख्यमंत्री से मुलाकात की। बता दें कि डॉक्टर यादव इस समय गुजरात दौरे पर है। उन्होंने आज अहमदाबाद से भोपाल लौटने के बाद कैबिनेट की बैठक ली, इसके बाद द साबरमती रिपोर्ट फिल्म देखने के लिए रवाना हुए। सुबह मुख्यमंत्री ने फिल्म में लीड एक्टर विक्रांत मेसी से वीडियो कॉल के जरिए बात की। इस दौरान डॉक्टर यादव ने मेसी को उनके उत्कृष्ट अभिनय के लिए बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में हमने इस फिल्म को टैक्स फ्री भी किया है। आज मैं खुद अपने मंत्रिमंडल के सभी साथियों के साथ यह फिल्म देखने जा रहा हूँ, आप भी आइए। सीएम यादव ने मेसी से कहा कि फिल्मों के शूटिंग को बढ़ावा देने के लिए हम कई तरह की छूट दे रहे हैं। इस पर अभिनेता विक्रांत ने कहा कि मैं एमपी में 4 फिल्में कर चुका हूं। एक फिल्म प्रकाश झा की थी जिसकी शूटिंग के लिए भोपाल आया था। पिछले महीने सीहोर में शूटिंग के लिए आया था लेकिन आपसे मुलाकात नहीं कर सका। अगले साल 2025 कुछ फिल्मों की शूटिंग के लिए फिर से एमपी आऊंगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंगलवार को ही फिल्म द साबरमती रिपोर्ट की तारीफ करते हुए इसे टैक्स फ्री घोषित किया है। सीएम ने कहा कि साबरमती फिल्म अच्छी बनी है, इस फिल्म को टैक्स फ्री भी करने जा रहे हैं ताकि अधिक से अधिक लोग फिल्म देख सकें। सीएम ने कहा अतीत में ऐसा काला अध्याय है जो फिल्म के माध्यम से दिखाया गया है। दूध का दूध और पानी का पानी इस पिक्चर को देखने में समझ में आता है। राजनीति अपनी जगह है लेकिन वोटों की राजनीति के लिए इतना गंदा खेल खेलना खराब बात थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तब मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्होंने इस घटना के दौरान कुशलता के साथ गुजरात की और देश की इज्जत बचाई है, इसलिए सत्य के आने के बाद दूध का दूध और पानी का पानी दिखाई देना ही चाहिए। इसी के साथ बने रहे एशियन न्यूज़ इंडिया।